कुछ लोग सीटी भी बजा रहे हैं, रेल यात्रा सुनाओ, रेल यात्रा। अच्छा, रेल यात्रा के लिए कह रहे हैं। वो हमारे भाई साहब कह रहे हैं कि हास्य में सुनाओ, ये कोई गजल थोड़ी थी। मैं ऊपर लाना चाहता हूँ, वो नीचे जाना चाहता हूँ। लेकिन चलिए, आपकी बात है, आप माई बाप हैं, माई भी हैं और बाप भी हैं। आपको सुना देता हूँ एक अच्छी कविता के लिए कहा है उन्होंने, हास्य रस की है, मजा लीजिए। आपको तो इलाके में प्रतापगढ़ में कोई ट्रेन में नहीं है, रेलवे लाइन नहीं है, मगर हम लोग जो रेलों से यात्रा करते हुए पहुँचते हैं उसमें हमारी बड़ी प्रॉब्लम होती है। रेलों में यात्रा करना कोई मामूली बात नहीं है। मैं पिछले दिनों यहाँ राजस्थान के बड़े सुदूर इलाके में गया था, वहाँ पर मीटर गेज ट्रेन थी। मुझे मालूम था कि मीटर गेज कैसे किसको कहते हैं। जब मैं गाड़ी में बैठा तब पता लगा वो गाड़ी 1 घंटे में 2 मीटर चलती थी। तब पता लगा कि मीटर गेज किसको कहते हैं। उसकी स्पीड देख के रोना आ रहा था। तो मैंने गार्ड से पूछा कि क्या अगर मैं फोन करके आ जाऊं तो क्या दौड़ के गाड़ी पकड़ लूंगा। गार्ड बोला, बहुत तेज मत दौड़ना वरना अगली गाड़ी में बैठ जाओगे। उससे आगे भी जा रही थी। और आप लोगों को तो मजा सूझता, हमारी मुसीबत देखो, भयंकर भीड़, बैठ जा भाई बस स्पीड में। सुना रहा हूं हास्य रस की, मजा लीजिए, हंसाने की बात है, आपका आदेश है। एक गाड़ी में घुसा मैं, भयंकर भीड़, वहां पे पांव रखने की जगह नहीं, लोग ठसाठस खड़े हुए। मेरे पीछे का आदमी खड़ा था, मैंने बाल काटने के लिए कंघा निकाला तो पीछे वाले के काट दिए, इतने पास में खड़े हुए, चिपटे हुए। एक ने बीड़ी सुलगाई, दूसरा पी रहा था। इमरजेंसी है, मैं तो कुछ और समझा। हाँ जरूरी है कि बहुत दिन बाद कोई मरीज आया क्या? नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है, वो एक मरीज आया, उसने खटखटाया रात के कुंडी, नर्स ने दरवाजा खोला, बोला डॉक्टर साहब है। नर्स बोली, नहीं आ जा। बहुत सही बात है, वो ऐसे फायदे हो जाते हैं अक्सर। मैं तो टेंशन में रहता हूँ, मैं अपने डॉक्टर के पास में गया, तबीयत खराब थी, मैं कहा डॉक्टर साहब को गोली दीजिए तबीयत ठीक हो जाए। उसने 2 गोलियां दी, बोले एक सोते समय खाना और दूसरी सुबह उठ जाओ तो खाना। तो मैंने दूसरी नहीं खाई, इसलिए मैं यहाँ पे हूँ। तो मांगीलाल जी का जो आदेश है उनके लिए करना चाहिए, जाना चाहिए। मैं रेल यात्रा सुनाता हूँ आपको कि गाड़ियों में कैसे फंस जाते हैं, हंसी मजाक। जब मैं पहली बार ट्रेन में घुसा तब क्या हुआ, रेल की जनरल बोगी में। आइए हंसते हंसते मेरी तकलीफ को सुने। भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी, जनरल बोगी कहानी है, चुप हो जाए। कि भारतीय रेल की जनरल बोगी, पता नहीं आपने भोगी कि नहीं भोगी। एक बार हम भी कर रहे थे यात्रा, प्लेटफॉर्म पर देखकर सवारियों की मात्रा, हमारे पसीने छूटने लगे, हम झोला उठाकर घर की ओर फूटने लगे। तब ये कुली आया, मुस्कुराकर बोला, अंदर जाओगे? हमने कहा तुम पहुंचाओगे? वो बोला, बड़े बड़े पार्सल पहुंचाए, आपको भी पहुंचा दूंगा, मगर रुपए पूरे 50 लूंगा। हमने कहा 50 रुपया? वो बोला, हाँ भैया 2 रुपए आपके, बाकी सामान के। हमने कहा, यार सामान नहीं है, अकेले हम हैं। वो बोला, बाबूजी आपके सामान से कम है, भीड़ देख रहे हैं, कंधे पे उठाना पड़ेगा, धक्का देके अंदर पहुंचाना पड़ेगा, मंजूर हो तो बताओ। हमने कहा, देखा जाएगा, तुम उठाओ। कुली ने बजरंग बली का नारा लगाया और पूरी ताकत लगा के हमें जैसे ही उठाया कि खुद बैठ गया। दूसरी बार कोशिश की तो लेट गया, हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है। हाथ जोड़कर बोला, बाबूजी भगवान ही आपको उठा सकता है, हम क्या खाकर उठाएंगे, आपको उठाते उठाते खुद दुनिया से उठ जाएंगे। तभी और सीन है, तभी गाड़ी ने सीटी दे दी, हम झोला उठाकर धाए, बड़ी मुश्किल से डिब्बे के अंदर घुस पाए। डिब्बे के अंदर का दृश्य और घमासान था, पूरा डिब्बा अपने आप में हल्दी घाटी का मैदान था। लोग लेटे थे, बैठे थे, खड़े थे, जिनको कहीं जगह नहीं मिली वो बर्थ के नीचे पड़े थे। हमने गंजे यात्री से कहा, भाई साहब थोड़ी सी जगह हमारे लिए भी बनाइए। वो सिर झुकाकर बोला, आइए हमारी खोपड़ी पे बैठ जाइए, आप ही के लिए साफ की है, केवल 2 रुपए देना, लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। सब लोग झल्लाए रहते हैं, केवल 2 रुपए देना लेकिन फिसल जाओ तो हमसे मत कहना। तभी एक भरा हुआ बोरा खिड़की के रास्ते चढ़ा, आगे बढ़ा और गंजे के सिर पर गिर पड़ा। गंजा चिल्लाया, किसका बोरा है? बोरा फौरन खड़ा हो गया,
और उसमें से एक लड़का निकल के बोला, अकेला बोरा नहीं है अंकल जी, बोरे के अंदर 12 साल का छोरा है। वाह, अंदर आने का यही एक तरीका है, हमने अपने माँ बाप से सीखा है। आप तो एक बोरे में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं। अनिल, आप तो बोरे में घबरा रहे हैं, जरा ठहर तो जाओ, अभी गद्दे में लिपट के हमारे बाप जी अंदर आ रहे हैं, उनको आप कैसे समझाएंगे, हम तो खड़े भी हैं, वो तो आपकी गोद में ही लेट जाएंगे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, भजन कर रहे थे, एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदे। एक सज्जन फर्श पर बैठे हुए थे आंखें मूंदे, उनके सिर पर अचानक गिरी पानी की गरम गरम बूंदे, तो सिर उठा के चल रहा है, कौन है कौन है, साला पानी गिराकर मौन है, दिखता नहीं नीचे तुम्हारा बाप बैठा है। ऊपर की बर्फ से आवाज आई, क्षमा करना बड़े भाई, पानी नहीं है, हमारा 6 महीने का बच्चा लेटा है, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, क्या मालूम अगली बार उसने आपको क्या परोसा, कृपया माफ कर दीजिए और अपना मुंह भी नीचे कर लीजिए, वरना बच्चे का क्या भरोसा, क्या मालूम अगली बार उसने आपको क्या परोसा। तभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, तभी डिब्बे में हुआ हल्का उजाला, किसी ने जुमला उछाला, ये किसने बीड़ी जलाई है, कोई बोला बीड़ी नहीं है, स्वागत करो, डिब्बे में पहली बार बिजली आई है। दूसरा बोला पंखे कहाँ हैं, कोई बोला जहां नहीं होना चाहिए वहां है, पंखों पे आपको क्या आपत्ति है, जानते नहीं रेल हमारी राष्ट्रीय संपत्ति है, कोई राष्ट्रीय चोर हमें हिस्सा दे गया है, संपत्ति में से अपना हिस्सा दे गया है, आपको लेना हो तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक आध तो हमको दे जाओ, आपको लेना है तो आप भी ले जाओ, मगर जेब में जो बल्ब रख लिए हैं उसमें से एक आध तो हमको दे जाओ। एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ, एक यात्री बर्थ के नीचे से निकलता हुआ, अपनी आंखें मलता हुआ फिल्मी अंदाज में बोला, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। उसका पड़ोसी बोला, शुक्र करो बेटा कि हो, वरना कल रेलवे कर्मचारी पूछते कि ये कौन था। इतना सुनते ही पूछने वाला मौन था। एक अंतिम सीन सुनिए सस्पेंस का, ऐसा अक्सर होता है, आपके साथ भी हुआ होगा। अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंग बली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है। ऐसा होता है, अचानक गाड़ी बड़ी जोर से हिली, एक यात्री खुशी के मारे चिल्लाया, अरे चली चली। दूसरा बोला, जय बजरंग बली। तीसरा बोला, या अली। हमने कहा, काय के अली और काय के बली, गाड़ी तो बगल वाली जा रही है और तुमको अपनी चलती नजर आ रही है। प्यारे, सब नजर का धोखा है, दरअसल ये रेलगाड़ी नहीं हमारी जिंदगी है, और जिंदगी में धोखे के अलावा और क्या होता है। वाह वाह वाह। ये थे श्री प्रदीप चौबे, आपको हंसाते रहे, गुदगुदाते रहे और तर्क सम्मत स्थितियां दे करके अपने स्थान पर लौट गए। मित्रों, हमारे बीच में देश की दो कवित्रियां शेष हैं, और शेष हैं इस देश के शीर्षस्थ गीतकार बाल कवि बैरागी जी। मैं आपकी प्रतीक्षा को ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहता, इसलिए आपके बीच में एक बार पुनः उन्हें आवाज़ देना चाहता हूँ जिन्होंने इस कवि सम्मेलन का प्रारंभ किया था। मेरा आशय आदरणीय चेतना जी से है। चेतना जी ने सरस्वती की वंदना की थी, वे इस हिंदी काव्य मंचों की वो गीतकार हैं जो कई तरीके से अपने गीतों की अभिव्यक्ति देती हैं, कई भाषाओं में अपने गीतों की अभिव्यक्ति देती हैं, और उनकी उस अभिव्यक्ति से लोगों के अंतर में जो आनंद और जो उल्लास का वातावरण होता है उसे आप उनके गीतों की वानगी के साथ ही देख पाएंगे। आप जोरदार तालियां बजा करके श्री चेतना शर्मा जी का स्वागत करेंगे। आ रही हैं आपके बीच में चेतना जी शर्मा। पुनः मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। जैसा दादा ने आदेश दिया है, मैं काव्य पाठ प्रारंभ कर रही हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि ये लोग जो तितर बितर हो रहे हैं अपना स्थान ग्रहण कर लें। खैर, मैं प्रारंभ करती हूँ। आगे चाहिए कुछ मुक्तक के माध्यम से अपनी आप प्रारंभ करें, इसके पहले जो निकल रहे हैं निकल जाने दें, ये जाएंगे नहीं,
लेकिन वापस लौट करके आएंगे, लेकिन जब तक ये जा रहे आ रहे हैं तो चलते फिरते अच्छे नहीं दिखाई देते। बाकी के जो लोग बैठे हुए हैं, कृपया ताली बजा करके चेतना जी को अपनी आश्वस्ति दे कि ये सुनने के लिए ही बैठे। धन्यवाद, आपने तालियां बजाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चार पंक्तियों से अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रही हूँ, देखिएगा। मौसमी ये हवाएं चले ना चले, मौसमी ये हवाएं चले ना चले, फूल जो खिल गए कल खिले ना खिले, एक नजर प्यार से देख लो साथियों, एक नजर प्यार से देख लो साथियों, क्या पता कल तुम्हें हम मिले ना मिले, क्या पता कल तुम्हें हम मिले ना मिले। और मित्रों, आपसे एक आग्रह करना चाहती हूँ कि कहीं कोई पंक्ति आपके मन को छू जाए तो आप पूरे मन से तालियां बजाकर अपने जीते जागते होने का प्रमाण दें। देखिएगा, एक मुक्तक आगरा नगर से मैं आई हूँ, देना चाहती हूँ। आगरा बहुत ऊंचा शहर है। हाँ, मैं आगरा गया तो मेरे को देख करके एक मिनट में ही समझ में आ गया कि इस शहर का करिश्मा क्या है। मैं देखने गया उसे ताजमहल को, तो मैंने देखा कि एक पागल जो है उस ताजमहल के वहां पे बैठकर जूते में रख के जलेबी खा रिया। फौरन समझ में आ गया कि आगरा चार बात के लिए प्रसिद्ध है, एक तो ये ताजमहल, दूसरा वो जूता, तीसरी वो जलेबी और चौथा वो। आदरणीय दादा तो बात में से बात निकाल लेते हैं। मैं बहुत सम्मान के साथ नमन करती हूँ, चार पंक्तियां दे रही हूँ, देखिएगा। जब टूटता कोई दिल आवाज नहीं होती, वाह। जब टूटता कोई दिल आवाज नहीं होती, टूटे हुए परों से परवाज नहीं होती, वाह। चाहत का मकबरा ना ये ताजमहल होता, चाहत का मकबरा ना ये ताजमहल होता, दुनिया में हर हसीना मुमताज नहीं होती, वाह वाह। दुनिया में हर हसीना मुमताज नहीं होती। और मित्रों, एक मुक्तक आपके नाम करना चाहती हूँ, देखिएगा। गर प्यार मोहब्बत से किस्मत नहीं संवरती, गर प्यार मोहब्बत से किस्मत नहीं संवरती, तो हीर अपने राजा से प्यार नहीं करती, गर प्यार को समर्थन दे देता ये जमाना, घर प्यार को समर्थन दे देता ये जमाना, मजनू भी नहीं मरता लैला भी नहीं मरती, मजनू भी नहीं मरता लैला भी नहीं मरती। और चार पंक्तियां उन असफल प्रेमियों के नाम देना चाहती हूँ जो प्रेम में असफल हो जाया करते हैं। वैसा है कि किसी ने कहा मजनू से कि तुझे अल्लाह बुलाता है, किसी ने कहा मजनू से तुझे अल्लाह बुलाता है, तो मजनू पलट करके झट उसे ये कह सुनाता है कि अरे नादा, खुदा के सामने ये केस क्यों जाए, और खुदा को गर मेरी ख्वाहिश तो लैला बन के आ जाए। अनिल इलेक्ट्रिकल फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया। भी नहीं मरी, मजनू भी नहीं बना। चार पंक्तियां मैं आदरणीय दादा को समर्पित करती हूँ। नहीं, मेरे को क्यों समर्पित करती हो, इतने सारे बैठे नहीं दिख रहे क्या? मुझे तो सबसे ज्यादा है
पहले ये बताओ तुम इसकी तरफ हो कि मेरी तरफ हो? हाँ फिर ठीक है, तेरे को प्रसाद दूंगा बिल्कुल। चार पंक्तियां सुनिएगा। मोहब्बत वो करेंगे क्या जो चर्चे आम करते हैं। वाह। मोहब्बत वो करेंगे क्या जो चर्चे आम करते हैं, जिसे खुद प्यार करते हैं उसे बदनाम करते हैं। कि ऐसे बावफा से लाख दर्जे बेवफा अच्छे, बता कर प्यार को पूजा घिनौना काम करते हैं। बता कर प्यार को पूजा घिनौना काम करते हैं। और चार पंक्तियां आपके नाम देखेगा। तुम्ही से प्यार करती हूँ, तुम्ही से रूठ जाती हूँ, तुम्हारी आँख में आंसू जो दिखे टूट जाती हूँ, हथेली पर लिखे मैंने तुम्हारे नाम के अक्षर, हथेली पर लिखे मैंने तुम्हारे नाम के अक्षर, उन्हीं को चूम कर सारे गमों से छूट जाती हूँ, उन्हीं को चूम कर सारे गमों से छूट जाती हूँ। और मित्रों कुछ दुमदार दोहे वर्तमान राजनीति पर पढ़ना चाहती हूँ, देखिएगा। अब के आम चुनाव में दिग्गज गिरे धड़ाम, अब के आम चुनाव में दिग्गज गिरे धड़ाम, दिखी और गहलोत का हो गए काम तमाम, हो गई इनकी ख्वारी कि भारी पड़ गई नारी, हो गई इनकी ख्वारी। अरे आप तो बड़े ट्रेंड है, मैं कह रही थी सत्तन। अरे वाह। अच्छा सत्तन जी आपको ट्रेंड कर गए हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ये जो है ये अपना जो शहर है जिसका नाम प्रतापगढ़ है, ये उसका कीर्तन मंडल है। चलिए ये भी अच्छी बात है, कीर्तन भी कभी कभी हो जाना चाहिए मन की शांति के लिए। ठीक है, अगला दोहा सुनेगा। ये लोग जो है तेरहवीं में भी जाते हैं कीर्तन करने, ये बात मुझे आज मालूम पड़ गई है। नहीं, आज मालूम पड़ गई तो गठान बांध के रखना, कभी मौका पड़े तो बुला लेना। बिल्कुल गांठ बांध के ही रखूंगी दादा, देखेगा। वोटर ने दिखला दिया अब की बार कमाल, वोटर ने दिखला दिया अब की बार कमाल, बड़े बड़े मुर्गे किए हैं इस बार हलाल, चटी का दूध पिलाया कि अब्बा याद कराया, चटी का दूध पिलाया। और एक दोहा और देखेगा। अब के उल्टे मुंह गिरे दिग्गी और गहलोत, अब के उल्टे मुंह गिरे दिग्गी और गहलोत, दोनों नारियों ने करी इनकी फीकी जोत की टक्कर ऐसी मारी कि अब तक हो रही ख्वारी। और एक मुख्यमंत्री के नाम दोहा सुनेगा। मुख्यमंत्री का सुनो ऐसा होता हाल, मुख्यमंत्री का सुनो ऐसा होता हाल, जोगी जोगी बन गए दल से दिए निकाल, दया कर ना बम भोले ना बेचे आलू छोले। और एक दोहा आपके नाम दे रही हूँ, देखेगा। सम्मेलन में आज के श्रोता है दमदार, सम्मेलन में आज के श्रोता है दमदार, यहाँ बही है रात भर कविता की रसधार, बजाओ जमकर ताली, बजाओ जमकर ताली, रात ये बने निराली। देखिए मित्रों, ये तो आपसे जुड़ने जुड़ाने की बात थी या कीर्तन की बात थी ये कह लीजिएगा, मैं कुछ छंद आपकी सेवा में निवेदित कर रही हूँ। सब अपने अपने ढंग से अपनी अपनी बात कह कर गए, मैं भी अपने ढंग से अपनी बात कहना चाहती हूँ, देखिएगा। कुछ न मिलेगा पाक भारत पे भौंकने से लगता है अकल गई तेरी आज मारी है,
कुछ न मिलेगा पाक भारत पे भोंकने से लगता है अकड़ गई तेरी आज मारी है। पहले भी दो दो बार धूल चटवा चुके हैं, लगता है युद्ध की ये तीसरी बीमारी है। चाहे फारी आज कर विश्व में तू डोल डोल, कोई न सुनेगा कुछ बात ये तुम्हारी है। कश्मीर भूमि तेरे बाप की नहीं है, यह है कल भी हमारी थी ये आज भी हमारी है। कल भी हमारी थी ये आज भी हमारी है, कल भी हमारी थी ये आज भी हमारी है। और एक छंद और सुनिएगा, देश की सीमाओं पे करा रहा है घुसपैठ, ढीली कर दो अकड़ उसको लताड़ दो। गीदड़ की भभुकी से शेर डरते नहीं है, देश के सपूत तो तुम सिंह सीधा हार दो। खूब समझाया, समझाने से भी माना नहीं, चीर डालो बख्श और चौकटा बिगाड़ दो। आंखें फोड़ डालो जिससे डाले ना बुरी नजर, दुश्मन के सीने पे तिरंगा जाके गाड़ दो। दुश्मन के सीने पे तिरंगा जाके गाड़ दो, दुश्मन के सीने पे तिरंगा जाके गाड़ दो। और एक क्षण आज सभी युवाओं के नाम दे रही हूँ, क्योंकि कल देश की पतवार युवा ही संभालेंगे। देखिएगा, सीमा की पुकार अब तो है मित्रों बार बार, एक बार तार तार चुनर निहारिए। पूर्व में ही जिसने किया हो ऐसा माकर, ऐसे द्रोहियों का शीश धड़ से उतारिए। गर्भ से ही अपने को भारतीय कहते हो, तन मन धन सारा देश पे निसारिए। देश द्रोही जहां जहां ढूंढने से मिल जाए, सबसे पहले सीने में ही गोलियां उतारिए। सबसे पहले सीने में ही गोलियां उतारिए, सबसे पहले सीने में ही गोलियां उतारिए। और अगर आदेश न जाए तो एक गीत, छोटा सा एक गीत पढ़ना चाहती हूँ। पहले देश में नेताओं का क्या चरित्र था, और आज देश में कैसे कैसे नेताओं की भीड़ जमा हो गई है। मैं उन भ्रष्ट नेताओं के नाम कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचाना चाहती हूं कि वास्तव में देश को कैसे नेता की आवश्यकता है। देखिएगा, स्वागत स्वागत। जनता को अपना विकास चाहिए, जनता को अपना विकास चाहिए, सिर्फ नहीं हास परिहास चाहिए। खतरों से देश को बचाने के लिए, खतरों से देश को बचाने के लिए, भारत को फिर से सुभाष चाहिए, भारत को फिर से सुभाष चाहिए। आज राजनेता काले नाग हो गए, भारती के भाल पे ये दाग हो गए। आग निज घर को लगा रहे हैं ये, ऐसे इस देश के चिराग हो गए। चारों ओर फैल गया घोर अंधकार, बढ़ते ही जा रहे हैं देश में विकार। नेताओं की नहीं बकवास चाहिए, नेताओं की नहीं बकवास चाहिए, भारत को फिर से सुभाष चाहिए, भारत को फिर से सुभाष चाहिए। और मेरे देश में राम का क्या चरित्र था, और आज देश में कैसे कैसे राम पैदा हो गए। आज देश के ये कैसे राम हो गए, जिनके घिनौने सारे काम हो गए। बलराम काशी राम कुछ भी नहीं, बलराम काशी राम कुछ भी नहीं, उनके भी बाप सुख राम हो गए, उनके भी बाप सुख राम हो गए। हो गया है कितना पतन देश का, रो रहा है फुट फुट मन देश का। लोकतंत्र की ना हमें लाश चाहिए, लोकतंत्र की ना हमें लाश चाहिए, भारत को फिर से सुभाष चाहिए, भारत को फिर से सुभाष चाहिए। और गीत का अंतिम चरण, हो गया है देश का ये कैसा बुरा हाल, उत्तर नहीं है हर ओर है सवाल। कर्णधार मस्तियों में डूब गए हैं, अब तुम जागो भारत के नौनी। भारत को फिर से सुभाष, आज हर नेता ही लुटेरा हो गया। देश में फैला दिया जहर ही जहर, संसद में सांपों का बसेरा हो गया। इन सर्पों के दांत तोड़ डालिए, सारा विश्व इनका निचोड़ डालिए। इन बांधने को नाग पाश चाहिए, इन बांधने को नाग पाश चाहिए, भारत को फिर से
सुभाष चाहिए, भारत को फिर से सुभाष चाहिए, भारत को फिर से सुभाष चाहिए। अनिल इलेक्ट्रिकल्स फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। भारत को फिर से सुभाष चाहिए, आदरणीय चेतना जी ऐसी कामना लेकर के आपके बीच में उपस्थित थी। मैं सुभाष तो नहीं दे पाऊंगा, अब इसमें हंसने की क्या बात है? और फिर हैं तुम्हारे लखन ही खराब है यार। है बेचारा, एक अच्छी बिचारी एक अच्छी कामना कर रही थी और आपको हैं। चलो अब हैं सही। मैं आपके बीच में इसलिए उठ करके खड़ा हुआ हूँ कि देश की एक कवियत्री को बुलाना चाहता हूँ। परमपिता परमात्मा ने उसकी आंखों की ज्योति हर ली, लेकिन उसमें फिर एक सुगंध भर दी, और वो सुगंध भर दी कविता की, काव्य की, कवित्व की। आंखों से देख नहीं पाती, लेकिन मन की आंखें खोल करके सृष्टि में विचरण करती है और अपनी उत्तर आत्मा की भावना को अभिव्यक्त करके जनता जनार्दन को सौंप देती है। ऐसी एक कवियत्री मैनपुरी से हमारे बीच में आरफा शबनम। ये उर्दू की बेटी है, हिंदी के मंच पर आई है, सूरदास की वंशज है, सूरदास की बेटी है। उसने उजाला नहीं देखा, आप देखेंगे उसे, परखेंगे उसे, कसौटी लगाएंगे। करुणा जब मूर्तिमंत होती है तो आरफा शबनम बन जाती है। हम कहना चाहते हैं कि इधर भी चश्मे रहमत खेज का जल्दी इशारा हो, इधर भी चश्मे रहमत खेज का जल्दी इशारा हो, खुले बस दिल की आंखें रूहे वहदत से नजारा हो, नजर में जागुजी हरदम जमाले आलम आरा हो, वो नूरे पाक मेरी आंख की पुतली का तारा हो, वो नूरे पाक मेरी आंख की पुतली का तारा हो। उस नूरे पाक आंख की पुतली का तारा बनने के लिए बेताब है ऐसी एक शायरा उर्दू की बेटी को हिंदी के इस मंच पर राजस्थान के इस प्रतापगढ़ में आमंत्रण देते हुए मैं अपने अंतर मन से प्रसन्न हूँ, पुलकित हूँ, और चाहता हूँ कि यहाँ पर सदन में बैठा हुआ एक एक श्रोता राजस्थान की परंपरा का पालन करते हुए इस कवित्री का जोरदार स्वागत करे, अभिवादन करे, अभिनंदन करे। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। वंदनीय माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मंच को और आप सबको नमन करती हूँ। एक अरसे के बाद आपकी सेवा का अवसर मिला है। दादा ने कहा कि मैं देख नहीं सकती हूँ, वो सच बात है, लेकिन मैं कहती हूँ कि दादा मुझे देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैसे भी इस दुनिया में देखने लायक कुछ बचा ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। और फिर इतनी सारी करोड़ों आंखें मेरे साथ हैं, मुझे क्या ज़रूरत है अपनी आँखों की। चार पंक्तियों से अपनी बात शुरू करती हूँ, सुनेगा। तुम्हारे शहर का दस्तूर ही निराला है, और निवेदन है कि अगर बात आप तक पहुँचे, आपके दिल को छू जाए, तो पूरे सदन से मैं निवेदन कर रही हूँ आज जोड़कर कि अपनी मौजूदगी का एहसास मुझे तालियों से कराते रहिएगा। इरशाद। और जहां आप कह देंगे वहीं मैं बैठ जाऊंगी, सुनिएगा। तुम्हारे शहर का दस्तूर ही निराला है, यहाँ दिलों की तरह जहन भी उजाला है। तुम्हारे हुक्म पे कैसे नाती है शबनम, तुम्हारे हुक्म पे कैसे नाती है शबनम, तुम्हारे हुक्म पे कैसे नाती है शबनम। प्रतापगढ़ तो मोहब्बत का एक शिवाला है, प्रतापगढ़ तो मोहब्बत का एक शिवाला है।
तुम्हारे शहर का दस्तूर ही निराला है। और नजर और नजारे की बात चल रही थी, मैं हाजिर करती हूँ ये चार पंक्तियाँ, मुझे आदेश भी हुआ है मंच से, आदरणीय चेतना जी ने आदेश दिया है, सुनिएगा ये चार पंक्तियाँ। कि नजारा लोग करते हैं, नजारा हम नहीं करते। अच्छा लग रहा है? हाँ तो ठीक है, शुक्रिया शुक्रिया। नजारा लोग करते हैं, नजारा हम नहीं करते। के दर्पण देख कर जुल्फे सवारा हम नहीं करते। हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर, हमारी रेशमी पाजेब की झनकार को सुनकर मुसाफिर खुद भटकते हैं, इशारा हम नहीं करते। मुसाफिर खुद भटकते हैं। अंदाजा तो हो गया कि आप सब भटके हुए हैं। सुनिएगा ये चार पंक्तियां। कि किसी से दिल लगाने की खता करना नहीं हमदम, किसी से दिल लगाने की खता करना नहीं हमदम। जलेगा दिल तुम्हारा और ये आंखें हो जाएंगी नम। तुम्हारे प्रेम को स्नेह को देखा तो दिल बोला, तुम्हारे प्रेम को स्नेह को देखा तो दिल बोला, ये दिल वालों की बस्ती है यही रुक जाओ ए शबनम। ये दिल वालों की बस्ती है यही रुक जाओ ए शबनम। और एक मतला और दो शेर बहुत अच्छे सुनाना चाहती हूँ मैं आपको। मतला तो आपको पसंद नहीं आएगा लेकिन शेर शायद आपको अच्छे लगे। सुनिएगा एक मतला सुनिएगा, उसके बाद शेर आप तक पहुंचेंगे। ये सुनिएगा। वही नफरत के शौले हैं, वही गम की कहानी है। वही नफरत के शौले हैं, वही गम की कहानी है। मैं कैसे मान लूं इसको कि ये दुनिया सुहानी है। मैं कैसे मान लूं इसको। और ये शेर आप तक पहुंचाना चाहती थी बतौर खास। सुनिएगा और निवेदन कर रही हूं कि आपका आशीष चाहती हूं मैं। सुनिएगा इस शेर पर। हमारे छोटे छोटे बहन भाई जिन्हें ये याद नहीं है कि उनकी किताब में कितने पार्ट हैं, उनकी बुक में कितने लेसन हैं, लेकिन वो ये जानते हैं कि हमारे टीवी पर कितने चैनल आते हैं। सुनिएगा, बहुत अफसोस होता है जब इन बातों को सुनती हूँ मैं, देख तो नहीं सकती। और एक दर्द को महसूस किया और कहने की कोशिश की कि अनेकों चैनलों में खो गया है आज का बचपन, अनेकों चैनलों में खो गया है आज का बचपन, अनेकों चैनलों में खो गया है आज का बचपन। न अब गुड़िया की शादी है, न नानी की कहानी है। न अब गुड़िया की शादी है, न नानी की कहानी है। और एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है, आपको शायद पसंद आए। सुनिएगा। पड़ोसी की जवां बेटी पे उठे जब नजर तेरी, वाह वाह। पड़ोसी की जवां बेटी पे उठे जब नजर तेरी, पड़ोसी की जवां बेटी पे उठे जब नजर तेरी, तो इतना भूल मत जाना तेरी बेटी सयानी है। तो इतना भूल मत जाना तेरी बेटी। पड़ोसी की जवां बेटी पे उठे जब नजर तेरी, तो इतना भूल मत जाना तेरी बेटी सयानी है। मेरी गजलों को सुनकर अपनी पलकें नम नहीं करना,
मेरी गजलों को सुनकर अपनी पलकें नम नहीं करना। मैं शबनम हूँ, मेरा दिल आंसुओं की राजधानी है। मैं शबनम हूँ, मेरा दिल आंसुओं की राजधानी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे मन की बात सुनी और मुझे आदेश हुआ है उस गजल के लिए जो मैं यहाँ पहली बार आई थी तो मैंने हाजिर की थी। लेकिन उस गजल से पहले मेरा मन हो रहा है कि मैं एक गीत सुनाऊंगी, और वो गीत जैसा कि अभी मंच पर माहौल जैसा हमारी बहन चेतना जी ने जहाँ पर छोड़ा था, मैं आपको उसी जगह पर ले जाना चाहती हूँ और एक गीत सुनाना चाहती हूँ। उससे पहले ये चार मिसरे सुनिएगा कि जब उन बहनों के नाम पढ़ रही हूँ जिनके पति उनके पास नहीं है, हमारे देश और हम सब की रक्षा के लिए सीमाओं पर खड़े रहते हैं, जब हमारे देश में दीपावली का पावन पर्व आता है, ईद मनाई जाती है या करवा चौथ होती है, तो वो बहनें जिनके पति सीमाओं पर हैं, वो अपने पति की तस्वीर के आगे खड़े होकर क्या सोचती हैं। थोड़ी सी देर के लिए आप सीमा पर खड़े हुए उन जवानों का स्मरण कीजिए और सुनिएगा ये पंक्तियां। अपनी पलकों में लिए इंतजार के मोती, अपनी पलकों में लिए इंतजार के मोती, तेरी राहों में बिछी प्यार की शबनम होगी। अपनी पलकों में लिए इंतजार के मोती, वाँ 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 वाँ। तेरी राहों में बिछी प्यार की शबनम होगी। जब तू आ जाएगा परदेश से चांद मेरे, जब तू आ जाएगा परदेश से चांद मेरे, जब तू आ जाएगा परदेश से चांद मेरे, तब कहीं जाके मेरी रात भी पूनम होगी, तब कहीं जाके मेरी रात भी पूनम होगी। आपको अगर अच्छा लगा हो तो मेरा मुझे गीत के लिए आदेश दीजिए अपने तालियों से। मेरा शुक्रिया। हाँ जी, मैं सुना रही हूँ और आपसे भूमिका मैं बताना चाहती हूँ। एक बतला सुनिएगा कि ये हम पे भले अपनी इनायत नहीं करते दादा, ये हम पे भले अपनी इनायत नहीं करते, और हम भी उजालों से शिकायत नहीं करते। और ये शेर सुनिएगा कि जो लोग समझते हैं मोहब्बत की जुबानें, जो लोग समझते हैं मोहब्बत की जुबानें, पर नोच के तितली से शरारत नहीं करते, पर नोच के तितली से शरारत नहीं करते। और ये शेर आप तक पहुंचाना चाहती थी कि साथ उनके कभी माँ की दुआएं नहीं होती, साथ उनके कभी माँ की दुआएं नहीं होती, जो बहन की राखी की हिफाजत नहीं करते, जो बहन की राखी की हिफाजत नहीं करते, साथ उनके कभी माँ की दुआएं नहीं होती, जो बहन की राखी की हिफाजत नहीं करते। और ऐसा ही एक गीत हाजिर कर रही हूँ मैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी बहनों की ओर से ये गीत हाजिर कर रही हूँ कि रक्षाबंधन का दिन है, एक बहन अपने सैनिक भाई के राखी बांधती है। भाई कहता है, बहन मांगो क्या मांगती हो? वो बहन कहती है, भैया जिसके पास ऐसा चांद जैसा भाई हो उसे क्या आवश्यकता है कुछ मांगने की, और फिर भी अगर तुम देना चाहते हो तो मुझे एक वचन दो। वो अपने भाई से क्या वचन लेती है, मैं ये निवेदन कर रही हूँ। पीछे हमारे एक भाई पता नहीं किस बात पर, अपनी ही बात पर हंस रहे होंगे। मैं उनसे निवेदन कर रही हूँ कि गीत में माँ का दर्द है, अगर उनके सीने में दिल है तो वो एक बार भारत माता के लिए तालियां बजा दें और मेरे मुझे गीत पढ़ने के लिए आदेश दें। सुनिएगा, गीत पढ़ रही हूं।
और आपका आशीर्वाद चाहूंगी। बहन कहती है भैया से, कसम तुम्हें राखी की, कसम तुम्हें राखी की, इन धागों का मान बढ़ा देना, रघुकुल रीत निभा देना, देश का कर्ज चुका देना। कसम तुम्हें राखी की, इन धागों का मान बढ़ा देना, रघुकुल रीत निभा देना, देश का कर्ज चुका देना। अब की युद्ध में पाकिस्तान को हिंदुस्तान बना देना, कसम तुम्हें राखी। जीती रहिए, वाह वाह। इस शानदार कवि से इन धागों का मान बढ़ा देना, रघुकुल रीत निभा देना, देश का कर्ज चुका देना। हमारे बहुत से सैनिक भाई ऐसे होते हैं जिनकी शादी होकर आती है और सुबह सीमा से बुलावा आ जाता है, उनके दुल्हनों की हाथ की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ती। बहन कहती है कि याद न करना भाभी जी के मेहंदी वाले हाथों की, याद न करना भाभी जी के मेहंदी वाले हाथों की, नींद गवा देना मेरे भैया तुम सब अपनी रातों की, अपने रक्त से मस्तक पर तिलक लगा देना। कसम तुम्हें राखी की, इन धागों का मान बढ़ा देना, रघुकुल रीत निभा देना, देश का कर्ज चुका देना। और बहन कहती है कि हमारी बहनें घर में बैठकर चूड़ियां पहनना ही नहीं जानती हैं, वक्त आने पर तलवार उठाती हैं। राजस्थान की इस पावन माटी को प्रणाम करते हुए मैं ये बंद पढ़ना चाहती हूँ कि भारत की हर एक नारी के मन में चंडी रहती है, भारत की हर एक नारी के मन में चंडी रहती है, झांसी वाली रानी की जो अमर कहानी कहती है, पन्ना धाई के दुश्मन को कथा सुना देना। कसम तुम्हें राखी की, इन धागों का मान बढ़ा देना, रघुकुल रीत निभा देना, देश का कर्ज चुका देना। और हमारे देश में एक भगत नहीं है तो क्या, एक हमीद नहीं है तो क्या, एक सुभाष नहीं है तो क्या, हमारे देश का बच्चा बच्चा सुभाष, हमीद और भगत है। तब कहने की कोशिश की है, ये अंतिम बंद मैं हाजिर कर रही हूं, सुनिएगा कि भारत अभी कलाम अटल जिंदा है, ये दुश्मन को खत लिख दो, अभी कलाम अटल जिंदा है, ये दुश्मन को खत लिख दो, पाकिस्तान में बच्चे बच्चे के मुख पर भारत लिख दो, अब कि तिरंगा, अब कि तिरंगा पाकिस्तान के घर घर में फहरा देना। कसम तुम्हें राखी की, इन धागों का मान बढ़ा देना, रघुकुल रीत निभा देना, देश का कर्ज चुका देना। और जैसा कि मुझे इस गजल के लिए आदेश हुआ, मैं तीन शेर आदेश का पालन करूंगी, क्योंकि आप लोग पहले सुन चुके हैं इस गजल को, मैं आदेश का पालन कर रही हूँ और ये तीन शेर हाजिर कर रही हूँ, लेकिन उसी तरह से सुनिएगा जैसे कि आपने पहली बार सुनी थी। सुनिएगा, मैंने कोई सूरज कोई तारा नहीं देखा, किस रंग
जैसा कि लोग कहते हैं कि अपना अपने को मिटाता है, और सच है कि हमारे देश में और हमारे घरों में यही सब कुछ हो रहा है। मैंने उस मालिक का शुक्र अदा किया कि अच्छा किया उसने मुझे आंखें नहीं दी। सुनेगा, सुनते हैं कि अपने ही थे घर लूटने वाले, वाह सुनते हैं कि अपने ही थे घर लूटने वाले, अच्छा हुआ मैंने ये तमाशा अच्छा हुआ मैंने ये तमाशा नहीं देखा, हालांकि मुझे शौक संवरने का बहुत है। वाह, हालांकि मुझे शौक संवरने का बहुत है, और मैंने कभी अपना ही चेहरा नहीं देखा, किस रंग का। शुक्रिया। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। वाह, जिंदाबाद। इस शानदार कवि सम्मेलन को अनिल इलेक्ट्रिकल्स फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। साथियों, मैं बीच में इसलिए खड़ा हुआ हूँ आकर के। क्या बात है भाई, पहले सीधे तो बैठ जाओ, कम से कम सीधे बैठ जाओ, थोड़ा सा नहीं, इस हिसाब से बैठो कि हमें लगे कि आप कविता सुन रहे हैं, थोड़ा सा ऐसे लगना चाहिए। तो सामने से हट जाइए और कृपा करें, कृपा करें। श्रोताओं की भीड़ में बैठे हुए आज के हमारे इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष मेरे भाई सुशील दोषी जी, विशेष अतिथि बहन माला जी, भाई यशपाल, और भी जो आपके विशिष्ट अतिथि यहाँ पर आपने आमंत्रित किए सब मित्रों, करीब करीब जहाँ तक मुझे याद पड़ता है कोई 45 वर्ष पहले मैं सबसे पहले प्रतापगढ़ में आया था कवि सम्मेलन में। मैं कोई टिप्पणी नहीं करता, कोई फप्ती नहीं कसता, और मुझे पता है कि कुछ मित्र ऐसे बैठे हैं जिनको कविता से कोई सरोकार नहीं। उस सब के बावजूद हम लोग मंच पर शालीनता से बैठ करके सब कवियों को सुन रहे हैं। अभी आपने 9-10 कवियों को सुना है, 3 कवित्री बहनों को सुना है। कवि सम्मेलन का संचालन भाई सत्तन कर रहे हैं। देश का एक बहुत बड़ा कवि इस मंच का संचालन करता है तो उसकी जिम्मेदारियां ज्यादा बढ़ जाती हैं, और जब नगरपालिका और प्रतापगढ़ के लोग हम सबको यहाँ पर इकट्ठा करते हैं, जब हमको प्रहलाद नवीन निमंत्रण देता है, तो हमें लगता है कि शायद हम लोग ठीक जगह बुलाए गए हैं, इसलिए हम लोग हाजिर हैं। मैं नहीं जानता कौन कितनी बार यहाँ पर पहले आए, लेकिन सत्तन जब जब मैं प्रतापगढ़ के आसपास आता हूँ तो प्रतापगढ़ में 3-4 लोगों की मुझे बहुत थोड़ी याद आती है। शायद ये तो जानते भी नहीं होंगे जो सामने बैठे हुए हैं, इस प्रतापगढ़ में देश का बहुत बड़ा नाम एक हुआ है, मन्नालाल परदेसी। शायद कुछ लोग तो जानते भी नहीं होंगे, आपकी संतानें भी नहीं जानती होंगी। बहुत बड़ा नाम हुआ, एक उसके समानांतर नाम और हुआ जिससे कोई नहीं जानता।
भगवान करे प्रतापगढ़ की पीढ़ियां उस नाम को जाने। वो नाम है भाई वीरेंद्र कुमार जैन, जिन्होंने महावीर पर पहला महाकाव्य इस देश में लिखा, वो यहीं पैदा हुए। वाह, यहीं पैदा हुए। शायद आप में से कुछ लोग जानते होंगे, जिन्होंने पहला कवि सम्मेलन करवाया, यदि आप जानना चाहें तो मैं नाम लेता हूं, जो कवि सम्मेलन में सम्मेलन शब्द बोल ही नहीं पाया सारी जिंदगी, वो हमेशा सल्ले मन ही बोलते रहे और कहते रहे कि बैरागी जी प्रतापगढ़ में कवि सल्ले मन है ना, आपके आणो है बस। वो थे मगरा मेल के मालिक भाई धीरज कुमार जी, हमारे धीरज सर। वो सल्ले मन ही बोलते, सम्मेलन बोले नहीं। हमने उनसे कहा कि जब आप सम्मेलन बोलना शुरू कर दो तो हम लोग भी आ जाएंगे, लेकिन वो लाड़ प्यार से घसीट लाते थे। एक नाम और था जो हम लोगों को घेर घार करके लाता था, मेरे भाई चिमनलाल सोमन, शायद आपको यहाँ जानते हो। हरीश बुलाता रहा, हम लोग आते रहे, आज भी आए हैं। और एक कवि सम्मेलन सत्तर मुझे इसलिए याद रहेगा यहाँ का जी, कि जिसमें मैंने कविता ही नहीं पढ़ी, नगर पालिका ने बुलाया था, मैं यहाँ पर आ गया था, लेकिन उसी दिन सीतामढ़ के महाराज कुमार रघुवीर सिंह जी, जो कि यहीं के दामाद थे, उनका देहावसान हो गया। मैं मन में शोक पाले बगैर कविता पढ़े यहाँ से चला गया था, मैंने कविता नहीं पढ़ी थी, आपको किसी को शायद पता भी नहीं। आप लोग जिस तरह से इस कवि सम्मेलन में बैठ करके अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, हो सकता है कि आपकी नई संस्कृति विकसित हुई हो, लेकिन मैं मानता हूं कि कवि सम्मेलन को जिस शालीनता से सुना जा रहा है उसमें थोड़ा आप सहयोग करेंगे। करीब करीब हम लोगों को 3 घंटे हो गए आपके बीच में बैठे हुए, और अब हम 2 लोग हैं यहाँ पर जिनको कविताएं पढ़नी, और उसके पश्चात जो कुछ इस कवि सम्मेलन का भविष्य नगर पालिका और प्रहलाद नवीन तय करेगा, क्योंकि नवीन हमारा प्रिय कवि है, प्यारा कवि है, देश में घूमते फिरते मिल जाता है और हम लोगों को आपके शुभ समाचार देता है, आपका संकल्प देता रहता है। ऐसे अच्छे कवि सम्मेलन में जो कि शिवरात्रि के संदर्भ में हो रहा है, बेशक उमंग हो लेकिन कविता के साथ एक शालीनता और मर्यादा भी होती है। मैं ये नहीं कहता कि आप उल्लास व्यक्त नहीं करें, लेकिन ढंग से व्यक्त करें तो आपकी बड़ी कृपा होती है। मैं इस देश के बहुत बड़े संचालक, बहुत बड़े कवि, मेरे छोटे भाई जिनको आप सत्यनारायण सत्तन के नाम से जानते हैं, मैं उन्हें केवल सत्तन के नाम से जानता हूँ। वे सत्यनारायण है कि नहीं है इससे बहस में मैं कभी नहीं पड़ा, जो उन्होंने नाम रख लिया सत्तन, सत्तन के नाम से मैंने उनको याद रखा है। हम लोग साथ साथ विधानसभा में बैठे, ये उधर की उस पार्टी की तरफ से थे, मैं इस पार्टी की तरफ से था, साथ साथ मध्य प्रदेश की विधानसभा में थे, और दोनों साथ साथ कवि सम्मेलन करते रहे। राजनीति हम लोगों के बीच में कभी नहीं आई, कोई लकीर नहीं खींची। मैं उस कवि को आपके यहाँ पर इस पहले दौर का या इस कवि सम्मेलन के इस दौर का समापन करने से पहले कविता पाठ के लिए पुकारना चाहता हूँ। यदि आपका मन ठीक हो तो मैं सत्तन को आवाज़ देना चाहता हूँ। ताली बजा करके आप कवि सत्तन का स्वागत करें। और ये तो सत्तन का बड़प्पन है कि वो लड़खड़ाते हुए कवि सम्मेलन को संभाल लेता है। मैंने देखा है अभी भी बीच में 2-1 बार लड़खड़ाने की कोशिश हुई कवि सम्मेलन की, उसने सहारा देकर के बचाया कवि सम्मेलन को। एक इतना सक्षम मंच को संभालने वाला कवि यदि आपके हमारे बीच में है तो हमने सौभाग्य मानना चाहिए। और सत्तन मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, मंच की ओर से भी, मैं नहीं जानता श्रोता तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन मैं मानता हूँ कि मंच तुम्हारे साथ न्याय करेगा। तुम आकर के हम लोगों को धन्य करो, कृतार्थ करो और कविता पाठ करो। श्री सत्यनारायण सत्तन आपके सामने आ रहे हैं। अनिल इलेक्ट्रिकल्स फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। ये मुझ तक आ गई पारी, चले गए वो चौबे जी, मंच पे ही अंडे दे रहे थे। हाँ, इनके अंडे देने का यही टेम, इनके बड़े भाई भी मंच पे ही अंडे देते थे, आजकल बंबई में दे रहे। शब्द निकल कर के आता है, आनंद दे जाता है, चला जाता है। वो अंडे ही देते रहे, आप मजे ही लेते रहे। ए, बहुत सारों को तो अंडे का ही स्वाद आ रहा था। शब्द अपनी मार मारता है। एक शर्मा जी, एक दुबे जी बैठे थे,
त्रिवेदी चतुर्वेदी भी थे, तो वो शर्मा जी जरा चुलबुले स्वभाव का आदमी था, तो उसने कहा कि यार दुबे, तुम क्यों दुबे? तो वो दुबे भी मजाक किया था, बोले कि भैया देख, एक हमारे पिताजी थे, एक हमारी माताजी थी, इन दोनों के संगम से हम उपजे, इसलिए दुबे। तो त्रिवेदी साहब चतुर्वेदी साहब से बोले कि आओ यार अपन पान खा के आते। तो बोले क्यों? बोले यही सवाल अपने से पूछा तो। अब वो पान खाने चले तो उनको आते हुए मिल गए मिश्रा जी। तो उन्होंने कहाँ जा रहे हो? बोले वही ठिए पे। बोले मत जाना, बहुत खतरनाक चर्चा चल रही है, हम तो जैसे तैसे पिंड छुड़ाया है, तुम तो ठहरे मिश्रा। शब्द आनंद दे जाता है, किस तरीके से दे जाए। आपने कविताएं देखी चल रही, वो उन भाई ने कहा कि वो मध्य प्रदेश की सीमा प्रारंभ और सड़क समाप्त। हमारे यहाँ तो ऐसी सड़कें पाई जाती हैं कि अगर उसमें थ्री व्हीलर रिक्शे में बैठ करके अपनी लुगाई के साथ कभी जाएं कहीं, तो हमको ऐसा लगता है कि आज डोल 11 से। हाँ, सड़क, हमारे यहाँ सड़कें नहीं पाई जाती, गड्ढों में सड़क होती है, सड़क में गड्ढे नहीं होते। अब उसमें वो थ्री व्हीलर ऑटो रिक्शा, उसमें हम बैठ जाएं, पति पत्नी जाएं, तो सच में ही ऐसा लगता है कि आज डोल 11 से और हम पति पत्नी नहीं राधा कृष्ण है और हमारा डोल निकल रही है। और वो जो सारथी है टैक्सी ड्राइवर, वो मजे में, अब वो रिक्शा चलता ढुसुंग, तो वो राधा जी कन्हैया जी पे, कन्हैया जी राधा जी पे, पल्लो लटक गओ, मुरलिया सटक गई, मुरल पटक गओ, और वो टैक्सी ड्राइवर गाना गा रहे हो कि मेरे तन डोले, मेरे मन डोले, मेरे दिल को गयो करार रे, हमने क्या हमको यही उतार रे। अगर अच्छा लग रहा तो ताली वाली बजाओ सबके सब। अनिल इलेक्ट्रिकल फव्वारा चौक ऐसे बैठे हुए जैसे सांप सूं गया है, हंसते गाते बोलते उत्साह के साथ आनंद के साथ। श्रद्धेय बैरागी जी आपके बीच में आएंगे, क्या कहेंगे 45 साल बाद आए, हम तो बेशरम ऐसे हैं कि साल की साल ही आ जाते। ये हमारे बुजुर्ग हैं, इनके चरणों में बैठ करके हमने कविता लिखना सीखा है, और कविता लिखने के लिए आजकल कुछ भी नहीं बचा। उन्होंने सही कहा कि असली कविता को सुनकर के लोगों का जी घबराता है, और कविता लिखना कुछ भी नहीं, वैसे ही लिख लो। सूरज है तेरी भोली, कोयल सी तेरी बोली। अब इसमें हमने तो कुछ नहीं लिखा, वो तो रिकॉर्ड ही बज रहा था। सूरज है तेरी भोली, कोयल सी तेरी बोली, हमने कहा ससुराल जा रही है, ले माला डी की गोली। है? कुछ लोगों को अगले साल समझ में आएगी। अब इसमें कुछ लगा और आप प्रसन्न हो गए। ऐसे ही एक गीत बज रहा था, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, हमने कहा तपते तवे पे सेक दे रोटी और परस दे दाल। कविता हो गई साहब, आप खुश हो गए। ये माता बहने बैठी हैं, ये भी कविता करती हैं। एक पति अपने कमरे में आए, उनकी पत्नी जो है चावल बीन रही थी, उनने पति को देखा, बोले क्यों इतने हाँपते कांपते क्यों? तो पति बोले कुछ नहीं, वो गली में कुत्ते पकड़ने वाले आए। तो पत्नी बोली कि तुम यहीं बैठ जाओ, बाहर मत जाना। क्या सम्मान है, कितनी इज्जत है पति की, इससे ज्यादा इज्जत है वनस्पति की।
अटल बिहारी वाजपेयी के पीछे पड़ गए। लालू चारा खा गया, अब चारा खा गया तो एक ने उनसे कहा कि भैया जो चारा खाते हैं वो दूध देते हैं, तो वो बोला निकाल ले। अनिल इलेक्ट्रिकल, अब किसकी माँ ने दूध पिलाया जो निकाल ले? आपके लिए रिकॉर्ड किया है। तो अटल जी ने सीबीआई से कहा कि तू निकाल। अब सीबीआई निकाल रही है तो निकल ही नहीं रहा है। और सीबीआई ज्यादा जोर लगाती है तो कोटा कर देता है। अनिल इलेक्ट्रिकल्स फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। और पोटा भी कानून हो गया, गाय की रक्षा ही नहीं हो रही। अशोक के घर में शोक घुस गया, वसुंधरा आनंद में, मध्य प्रदेश में राजा पांव पांव है, सिंहासन पर मृक्षाला बिछी हुई, क्या सीन है? अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री, भावुक आदमी, हमारी सबकी बिरादरी के, बहुत बैरागी जी अटल जी बहुत कविताएं पढ़ा करते थे, हम बैठे बैठे सुना करते थे। वो जमाना भी था। अब अटल जी बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, वो एक आए थे वो बिल क्लिंटन है, उनसे अटल जी मिले, कभी आदमी भाविक भोले हाथ मिलाया तो। आपने देखा होगा टीवी पे सीन है, ये भाजपा वाले बड़े गौर से देख रहे हैं, जैसे फिर से देख रहा है। हाथ मिलाया तो मुझे ऐसा लगा कि राष्ट्रपति बिल क्लिंटन से प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने हाथ मिलाया और हाथ मिला के जोर जोर से हिलाया, पर हमारे हैंडपंप में पानी ही नहीं आया। अखिल इलेक्ट्रिकल फव्वारा चौक नीमच ने आपके लिए रिकॉर्ड किया है। अच्छा लगा, ताली बजाओ।